ये देखो मेरे घर कौन आया है और ये अपना डिश बना खिला रही है मुझे। क्या बोलते हैं इसको? बिबड़ी। बिबड़ी बोलते हैं और ये महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र के। तो ये मैं दिखाती हूँ पास करके आप लोग को। ये ना बाद में देते हैं। तो ये देखो ऐसा है कुछ, और इसको ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ ऐसे भी खा सकते हैं, फिर तोड़ के भी ऐसे। हाँ ऐसे आप ऐसे लेके भी ऐसे खा सकते हैं, थोड़ा ऐसे चूरा करके तेल डाल के रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा अरे सॉफ्ट है, नमक ज्यादा है, हमारा डिट्टी है ना। हाँ नमक ज्यादा है। नहीं मुझे पता है, मैंने खा के नहीं, मम्मी बना के लेके आई है। नमक है, हम लोग के नहीं खाना है। तो चलो खा के देखते हैं। के? उधर आर्यन भी आ गया। के? दिबड़ी। अच्छा लग रहा है। ऐसा ही खाते हैं। हाँ। चलो बहुत अच्छा लगा। और ये आप रोटी के साथ पराठे हाँ। के साथ। अरे गरम है आर्यन। गरम डाल लिया मुंह में। गरम में थोड़ा ठंडा होने दो। रोटी पराठे दोनों के साथ खा सकते हैं ना? किसी के पास खा सकते। चलो अच्छा हुआ, थैंक यू। बहुत सारे लेकर आई है, देखो कितना लेकर। तो बस अभी जा रही है और बहुत अच्छा लगा खा के, कुछ नया ऐसे खाने को मिला और सीखने को मिला। ये जो है ना, हम लोग साइड में मसूरिया बोलते हैं लेकिन इधर महाराष्ट्र में जवार बोलते हैं, तो उसी का है, उसी का बना है। और इसमें धनिया पत्ता, लहसुन पत्ता, ये सब कुछ डाल के बनता है। ये एक दी है जैसे जीरा जैसा है, एकदम सेम जीरा जैसा है, लेकिन जीरा कैसा है ब्राउन होता है, ये एकदम ब्लैक है। तो इसकी भी चटनी बनती है, बोली है कि इसको हल्का सा रोस्ट करके और उसके बाद इसमें बस हरी मिर्च और लहसुन, लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसकी चटनी आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल पे भी साइड में ले सकते हो। और ये वही है, टूट गया है, मतलब इसको हल्का तेल डाल के और फ्राई करके ऐसे खा सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सा ये जल गया है, लेकिन ऐसे एक साइड से अच्छा है। बस तवा पे वो सेक दी, मैं बोली एक बार बता दो, क्योंकि बताने पे थोड़ा सा आइडिया होता है ना कि हाँ कैसे बनाना है। तो वही तेल डाल के गरम कर देना है। बहुत अच्छा लग रहा था। साइड में आप जैसे कोई सब्जी, फीकी सब्जी है, उसके साइड में आप ले सकते हो रोटी के साथ। तो चलो बहुत अच्छा लगा। और इधर आर्यन भी है। चलो मैं भी जा रही हूँ अभी रोटी बनाने। सब्जी बना दी हूँ, आलू बैंगन सेम की सब्जी बनाई हूँ मैं। अच्छी लगती है ना आलू बैंगन सेम की सब्जी, मस्त लगती है। लेकिन जो गांव में टेस्ट रहता है ना, यहाँ नहीं रहता है। गांव में आलू बैंगन सेम बना तो एकदम मस्त लगता है। चलो जाते हैं अभी रोटी बना लेते हैं कि 8 बज गए। इधर आर्यन भी है। चलो जाते हैं रोटी बनाने। किधर है? तो यहाँ मैं आई थी रोटी बनाने, उसके पहले आर्यन को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उसको कुछ चाहिए था हल्का फुल्का। तो कल जो आलू पराठा मैं बनाई थी ना, कल नहीं आज ही शायद बनाई थी दोपहर में, हाँ दोपहर में जो आलू पराठा बनाई थी ना, उसका मसाला थोड़ा सा बच गया था चोखा आलू का, तो उसको मैं क्या की कि यहाँ तल दी आटे के अंदर, जैसे पराठे के अंदर, पराठे के जैसा ही इसको करना है। बस एकदम सब पतला करके और इसको काट के मैं थोड़ा सा शेप अलग दे दी हूँ, तो ये एकदम क्रंची होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसको सॉस के साथ, चाय के साथ आप ले सकते हो शाम के टाइम पे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे बना सकते हो आलू का वो चोखा बना के मसाला, और उसके अंदर भर के जैसे पराठा बनता है ना सेम वैसे, बस पतला बेल देना है और उसको कट कर देना है। यहाँ आर्यन आया, बोला मैं भी एक बनाऊंगा। मैं बोली ठीक है। तो कढ़ाई उधर है, लेकिन ये आर्यन इधर है, कढ़ाई तक नहीं है, थोड़ा दूर है। और इधर अपना सीख रहा है आर्यन की कैसे मम्मी करती है। ये देखो बस कुछ नहीं करना है, दोनों साइड को ऐसे पकड़ के और ये जो है ना इसको ऐसे प्रेस करना है, ये देखो ऐसे, तो ये डिजाइन बन जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखो यहाँ मैं तल के रेडी कर दी हूँ, जा रही हूँ आर्यन को दे देती हूँ। यहाँ सॉस और मेयोनीज दोनों डाल दी हूँ मैं, आर्यन को बहुत पसंद है दोनों, तो बस बहुत अच्छा लगेगा लगता है। आर्यन को याद दे दी, आर्यन खा रहा है। उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाऊँगी, रोटी नहीं बना है तो जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। यहाँ आ देखते हैं आर्यन क्या बोलता है। क्रंची भी है ना, हाँ।
बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। और ये ना एकदम क्रंची है, ये देखो तोड़ने पर ना एकदम क्रंची, ये देखो तो अभी खाना पीना सब कुछ हो गया है और यहाँ हम दोनों माँ बेटे आ गए हैं हॉल में और यहाँ चल रहा है डांस दीवाने। तो हम लोग देख रहे थे और आज दिखा रहे हैं वुमेंस डे का दिखा रहे हैं, तो वही आर्यन यहाँ थोड़ा सा मतलब इमोशनल टाइप हो गया है। तो दोस्तों अभी मैं बैठी हूँ हॉल में, टीवी देख रही थी, तो अभी कुछ देर पहले ऐसे आज वुमेंस डे का दिखा रहे हैं ना डांस दीवाने में, तो वही मैं देख रही थी, तो सबकी सबने अपने मम्मी को याद करके ऐसे रो रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे आया मम्मी की याद, तो मैं भी ऐसा थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। फिर आर्यन आया, हाथ पैर दबाया, फिर आंसू पोछा, बोला ऐसे रो मत, और मेरे लिए क्या सरप्राइज बनाया, इतना अच्छा, तो बहुत ही अच्छा बनाया है, अभी बना रहा है, लेकिन अभी से मुझे इतना पसंद आया कि इतना अच्छा बना रहा है, तो वही मैं सोची कि शूट करती हूँ थोड़ा सा। और मेरी हालत देख सकते हो, ऐसी मैं लेटी थी यहाँ लेट के, ऐसी टीवी देख रही थी, क्योंकि डांस दीवाने मेरा फेवरेट हो गया है, मैं बहुत देखती हूँ, क्योंकि इसमें वर्षा आती है ना, वर्षा सोलंकी, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो बस ये आर्यन इधर बना रहे, थोड़ा सा दिखा दो अभी, ये देखो यहाँ आर्यन बैठा है, ये सब पिटारा लेकर अपना मस्त, और इधर ये देखो क्या बनाया आर्यन, वाओ मस्त, अभी लाइट से ऐसे ऐसे दिख रहा है, देखो माँ है बच्चे को ऐसे गोदी मिली है, कंधे पे सुलाई है, इतने मस्त, मतलब मेरा बेटा बनाया है, आजा। हेलो अरे बस बनने तो दो, तो मेरा बेटा मुझे रोने नहीं देता है, थोड़ा सा भी ऐसे देखता है ना कि मम्मी इमोशनल हो रही है तो आके फटाक से आंसू पोंछने लगता है, मत रोना मत रोना। अच्छा नहीं लगता क्या, मेरी माँ दूर है ना गांव में, बहुत प्यारा बनाया, लेकिन दिखाओ एक बार और पीछे से दिखा दो, पीछे शंकर जी, अरे हाँ सॉरी, शंकर भगवान की, ये देखो बनाया था ना महाशिवरात्रि के दिन, तो वही है शंकर भगवान। चलो बनाओ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाती हूँ आप लोग से, और आप लोग देखना, ढेर सारा प्यार देना, इसको ना बहुत पसंद है, पेंटिंग में बहुत इसका मन लगता है, पेंटिंग में नहीं लगता है, हाँ कलरिंग और ड्राइंग में लगता है, ड्राइंग और कलरिंग में बहुत इसका मन लगता है, बहुत अच्छा अच्छा बनाता है, जैसा बोलो वैसा बना देता है, बहुत अच्छा अच्छा। तो आप लोग को कैसा आज लगता है, अगर कोई टैलेंट नहीं होता ना तो अभी तक इतना ये सब नहीं बनाया होता मैंने कभी। हाँ तो जैसा देखता है वैसा सेम बना देता है, ये मोबाइल से देख के अभी बना रहा था, सेम बना दिया। जो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वीडियो ट्यूटोरियल स्टेप से बनाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, वीडियो मतलब मैं वीडियो पॉज करता हूँ फिर देखता हूँ। तो ये देखो यहाँ बन के रेडी हो गया है प्यारी माँ, बहुत ही अच्छा बना है, बच्चे के कंधे पे माँ ली है और कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मतलब जितना तारीफ करो उतना कम है। तो आप लोग को कैसा लगा ये मेरे बेटे की तरफ से छोटा सा गिफ्ट, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बड़ा गिफ्ट है ये मेरे लिए, तो इससे बड़ा गिफ्ट अब क्या ही हो सकता है एक माँ के लिए। तो चलो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।